नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं मार्च 24 का खास पाठ। दुर्गा माँ की तीसरी शक्ति, जिनका नवरात्रि के तीसरे दिन पूजन किया जाता है, उनका नाम चंद्रघंटा देवी है। सोने के समान बहुत चमकीले रंग वाली देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इन्हें वीरता, साहस और कृपा का अवतार माना जाता है। खड़ग और दसों हाथ में अस्त्र शस्त्र से विभूषित सिंह पर सवार देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहने की है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से शांति, समृद्धि, वीरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। और 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस भी मनाया जाता है। डाक विभाग दो प्रकार की जीवन बीमा योजनाएं प्रदान करता है। एक जो 12 अक्टूबर 1884 में डाक जीवन बीमा शुरू की गई थी और दूसरी जो 24 मार्च 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा शुरू की गई थी। और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस भी मनाया जाता है। इसे विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस भी बोला जाता है। वैश्विक तपेदिक महामारी समाप्त करने और टीबी के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता प्रसारित करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट कार्क ने 24 मार्च 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण टीबी होता है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 24 मार्च 1854 को भारत में पहली बार लंबी दूरी का टेलीग्राम आगरा से कोलकाता के बीच भेजा गया था, जब दोनों छोरों के बीच लगभग 800 मील लंबी तार की लाइन बिछ चुकी थी। जुलाई 2013 में देश में ये सेवा हमेशा के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि संचार के कई साधनों के बीच इसका इस्तेमाल न के बराबर हो चुका था। और 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे।